सबसे पहले मैं सब लोगों को जिन्होंने भी मुझे अच्छी अच्छी बर्थडे विशेस दी हैं उन सबको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। हम लोगों ने आपके सारे मैसेजेस पढ़े हैं तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। और अब हम शुरू करते हैं गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग। तो जो पहला गिफ्ट होने वाला है वो होने वाला है माँ पापा की तरफ से, तो देखते हैं उन्होंने हमें क्या दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मेरे बर्थडे की गिफ्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो आज की वीडियो होने वाली है गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि मुझे क्या क्या बर्थडे प्रेजेंट मिले। सबसे पहले मैं सब लोगों को जिन्होंने भी मुझे अच्छी अच्छी बर्थडे विशेस दी हैं उन सबको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। हम लोगों ने आपके सारे मैसेजेस पढ़े हैं तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। और अब हम शुरू करते हैं गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग। तो जो पहला गिफ्ट होने वाला है वो होने वाला है माँ पापा की तरफ से, तो देखते हैं उन्होंने हमें क्या दिया। तो ये है माँ पापा की तरफ से मेरे लिए साड़ी, जो कि इसका फेवरेट कलर भी है, जो कि है बहुत ही सुंदर। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में है ये, और इसका जो फैब्रिक है वो है ब्रासो, तो काफी कंफर्टेबल और समरिश लुक में ये साड़ी है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। तो ये है मेरा पहला गिफ्ट। दूसरा गिफ्ट है इसी का मैचिंग बैग, जो कि दिया है तनु की मम्मी राधा चाची ने। ये देखिए काफी सुंदर सा स्लिंग बैग है ये, ऐसे मतलब शोल्डर बैग है, ऐसे पहन के मैं कहीं भी जा सकती हूँ। और अंदर से अगर मैं इसको खोलूं, स्पेस भी काफी अच्छा खासा है, तो मेरा बहुत सारा सामान भी आ जाएगा इसमें। राहुल कैसा लग रहा है बैग? बहुत अच्छा बैग है। अच्छा बैग है ना? बहुत ही अच्छा। तो इस स्टाइलिश जैसे आजकल चल रहे हैं शोल्डर बैग, वैसा ही है। ये है मेरा दूसरा गिफ्ट, और सभी को जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिए हैं उन सभी को थैंक यू भी। और अब चलते हैं तीसरे गिफ्ट की तरफ, जो है ये टॉप। और आपने मुझे मेरी बर्थडे वीडियो पे ये पहने हुए भी देखा होगा, ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम तो नहीं बट काफी टाइम बाद ऐसा कुछ पहना है। तो ये है टॉप और इसके साथ है ये इनर, और ये दिया है तनु ने, थैंक यू। और ये मेरा है थर्ड प्रेजेंट, और इसी के साथ श्लोक ने दिया है ये ट्राउजर, जो कि है कैमरे की उस तरफ। तो ये देखिए जैसा आजकल चल रहा है फिश कट में, ये राहुल भी पहन सकते हैं। मल्टीपर्पज ट्राउजर है ये, तो कभी मेरा मन नहीं मतलब कभी राहुल का मन करेगा तो राहुल भी ये पहन के जा सकते हैं। ओके, स्ट्रेचेबल तो है। और उसके बाद आ रहा है सोना चांदी तो ये खुला इसका डायमंड का गेम ये है डायमंड ज्वेलरी, जिसपे सिल्वर का पानी चढ़ाया जाए। तो ये है एक नेक पीस, ये काफी सुंदर सा दर्शन लगे हुए हैं, और ये है सिल्वर का, और ये दिया है मुझे रुचि दीदी ने। तो ये भी बहुत सुंदर है और काफी सारे वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ ये मेरा जाएगा। देखिए ऐसा लग रहा है ये, क्योंकि हमने सोचा इसके पास कपड़े तो बहुत ज्यादा बर्थडे पे भी बहुत हो जाएंगे, तो हमने कहा ये यूजफुल चीज है, तो मैं कभी भी इसको पहन के जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है ये। इसी के साथ साथ मैचिंग काइंड ऑफ ब्रेसलेट दिया है, और ये है ब्रेसलेट जो कि दिया है अनुज भैया ने। देखिए ये भी सिल्वर का है, काफी सुंदर लग रहा है ये भी, ये अनुज भैया की तरफ से। और ये जो मैंने नोज पिन पहनी हुई है वो भी अनुज भैया ने दी है, मतलब अनुज भैया ने तो क्या ही दी है दी उन्होंने, पर लाई दी थी उन्होंने और साथ ही साथ दीदी ने मुझे सिल्वर की इयररिंग्स भी दी है, ये मैं डेली यूज में पहनूंगी। बहुत सुंदर
सुंदर से है। ये था ससुराल का गिफ्ट, ससुराल की तरफ से सारे गिफ्ट थे। अब खोलते हैं मायके की गिफ्ट। क्या हमने खोले नहीं थे? मायके से एक्चुअली ज्यादा मिला है और वो मेरे अकाउंट में, तो मैं दिखा नहीं सकती आप लोगों को, तो बाकी जो मिला है वो दिखाती हूँ। तो ये ड्रेस दी है मेरी मम्मी और पापा ने, बहुत अच्छी लग रही है और श्रग। ये दिया है मम्मी और पापा ने, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। तो ये मैं पहनूंगी, तेरे बर्थडे थे अब तो तेरा ही बर्थडे आ रहा है, तो किसी ना किसी के बर्थडे में तो मैं पहन ही लूंगी। कभी हम पहन खुद नहीं गए, अब मैं ड्रेस पहनूंगी। इसके बाद नेक्स्ट गिफ्ट, तो ये मम्मी पापा ने दिया था और मेरे को दादा दादी ने भी कैश दिया है, पापा ने भी ऐसे कैश और भी दिया है, और बड़े चाचा चाची ने भी कैश दिया है क्योंकि उन्हें मैंने मना कर दिया था कि मुझे कपड़े नहीं चाहिए, तो फिर बेस्ट ऑप्शन होता है कैश देना। और छोटे सबसे छोटी चाची ने और तनु ने ये गिफ्ट दिए हैं, तो मैं खोलती हूँ। ये है साड़ी और गैंजा की, काफी लाइट वेट, प्यारी, और ये कलर भी बहुत बेस्ट शेड, सब मुझे वैसे ही पसंद है और वैसे लग रही है। तो चाची को थैंक यू इतनी सुंदर साड़ी देने के लिए, और इसके साथ ब्लाउज पीस भी है। ये बनाओ, यही होगा तो नहीं। तो ये है ऑक्सीडाइज्ड नेक पीस, ये देखिए सुंदर सा, और जब बोहेमियन लुक जब चाहिए होगी मुझे, जब मैं कुछ वैसा पहनूंगी तो बड़ा अच्छा सा उसके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच तनु, बहुत सुंदर लग रहा है ये, और इसमें ब्रिटिश एलिजाबेथ के सिक्के भी लगे हुए हैं ये देखिए, आप जूम करके दिखा सकते हैं, तो हम इसे लंदन में जाके पहन सकते एलिजाबेथ वाली। तो ये थे मेरे सारे बर्थडे गिफ्ट्स जो जो मुझे मिले हैं, मतलब दिखने वाले गिफ्ट्स तो यही हैं, दिखाने वाले आप लोगों को। पर सबसे जरूरी बात मैं ये पूछना चाहूंगी कि सबके गिफ्ट तो आपने दिखा दिए, राहुल भैया का गिफ्ट? मेरा गिफ्ट, मेरा कल दे नहीं थे माधवगढ़, किसने स्पॉन्सर करा था इसका? तो जो माधवगढ़ की हमारी जो आपने देखा होगा मेरे बर्थडे का व्लॉग था, हाँ मेरे बर्थडे पे गए थे, तो वो अनुज भैया ने और राहुल ने दोनों ने स्पॉन्सर करा था। तो अनुज भैया ने तो स्पॉन्सर करने के बाद भी दो तीन डब्बे दिए हैं मुझे और जो आईफोन 14 की बात हुई और किसी की कमेंट भी आई थी कि आपने दिव्या दीदी को आईफोन 14 ने दिया, 13 प्रो ने दिया आपने, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने लाइक कर दिया उसका कमेंट जिसने लिखा था। अभी भी टाइम है, देखो अगस्त अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या पता एंड ऑफ द अगस्त। वैसे मुझे ऐसा कुछ है नहीं, जब मैं खाली हो चुकी है मेरी पति की जेब, 7 महीने माधवगढ़ में सब लग गया है, 7 महीने में काफी खाली हो चुकी है। ऐसा कुछ मेरे को राहुल से मतलब डिमांड रहती नहीं क्योंकि वो वैसे ही पूरी कर देते, वैसे मिल जाता है मुझे सब कुछ बिना मांगे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, बिन मांगे मां का टाइप, तो इसीलिए ऐसा कुछ मैंने गिफ्ट किया नहीं। हाँ, और मैंने जो जीन्स भी पहनी थी ना अपने बर्थडे वाले दिन, वो भी राहुल ने दिलाई बहुत कुछ। तो ये थे मेरे बर्थडे के गिफ्ट्स, और हमें कमेंट भी आई थी कि जब राखी में लोगों ने मतलब लोगों ने क्या मेरे मायके वालों ने गिफ्ट दिए थे, तो किसी की कमेंट आई थी कि आप अपने राखी के गिफ्ट्स भी दिखाओ, तो मैं दिखाने वाली हूँ कि मुझे राखी पे क्या क्या मिला है। तो राखी पे भी सेम कैश ज्यादा मिला है क्योंकि भाइयों को पता है बहनों की डिमांड कैश ही होती है, तो ज्यादा मुझे कैश मिला है, पर जो मुझे मिला है बाकी मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रही मेरी पहली साड़ी, मेरी पहली राखी की मम्मी पापा ने मुझे साड़ी दी है, और ये ड्यूअल रिफ्लेक्शन वाली साड़ी है ऑरेंज और मस्टर्ड शेप में, बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी है ये, और मुझे बहुत पसंद है बनारसी साड़ी। और राहुल को मैंने एक
जीन्स मिली है ब्लैक कलर की जो राहुल ने मेरे बर्थडे पे पहनी थी। और ये है दूसरी साड़ी जो कि है रानी पिंक कलर की, और ये आप देख सकते हैं क्रश फैब्रिक में है। ये दिया मुझे मेरी बड़ी चाची ने, तो जैसे नई नई शादी है तो सारे वैसे ही दिया है मेरे को। हाँ, और ये दिया मेरी छोटी चाची ने जिसका कलर मुझे बहुत ही पसंद आया। और इसमें पैरट्स बने हुए हैं, देखिए कलरफुल है। हाँ, तो ये तीन साड़ी मुझे मिली है। बाकी मेरे सारे भाइयों ने मुझे कैश ही दिया था, वो भी मेरे अकाउंट में जा चुका है, वो भी मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो ये थे हमारे सारे गिफ्ट्स मेरे बर्थडे के और राखी के, और हम आशा करते हैं आपको ये सारे गिफ्ट्स पसंद आए होंगे। और कमेंट करके भी आप बताइए कि आपको सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा। मतलब हाँ, मेरे लिए तो सारे ही अच्छे हैं, सब मेरे ही हैं, बट आपका इसमें से कौन सा गिफ्ट जो ऐसा है कि आपको बड़ा पसंद आया होगा वो आप कमेंट करके बताना। और हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, हम आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करो, आप लोग वीडियो तो देखते हो बट कमेंट्स आजकल आनी बहुत कम हो गई है, तो आप कमेंट करते हो तो हम मोटिवेटेड रहते हैं, हमें पता चलता है क्या क्या अच्छा चल रहा है, मतलब क्या आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही। तो आप कमेंट ज्यादा करिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।